हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूएफा नेशन लीग का मैच जो कि कजाकिस्तान और बेलारूस के बीच में होने वाला है। दोनों टीम्स की बात की जाए तो इस ग्रुप पॉइंट्स टेबल में कजाकिस्तान टॉप पे है। कजाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं और उसमें से 3 मैच विन किए हैं, 1 मैच ड्रॉ किया है। बेलारूस की बात की जाए तो ये टीम इस ग्रुप में सबसे लास्ट पोजिशन पर है। बेलारूस ने 4 मैचेस खेली है और 2 मैच ड्रॉ किए हैं और 2 मैचेस लॉस किए हैं। सो आज की मैच में कजाकिस्तान क्लियर कट फेवरेट टीम रहेगी। सो वीडियो की एंड में आपको टीम मिल जाएगी, बट लाइनअप्स आने के बाद फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी हम कजाकिस्तान का फॉर्मेशन एंड स्टैट्स देखते हैं। कजाकिस्तान 5-4-1 फॉर्मेशन के साथ खेलती है और गोलकीपर है इगोर शैटोस्की। राइट विंग बैक पोजीशन पे खेलते हैं मिखाइल गैबिशेव। लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे खेलते हैं तैमूर मागाम्बेटो। सेंटर बैक पोजीशन पे खेलते हैं नूरली अलीप, अलेक्जेंडर मारोचकिन और सरजी माली। सो हमें डिफेंस लाइन से पिक करना है नूरली अली को, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है और आज की मैच में टैकल्स के अच्छे पॉइंट देगा। 84% पासिंग एक्यूरेसी है और बहुत अच्छे बॉल सप्लाइज करता है। और सेकेंड डिफेंडर जो पिक करने हैं वो है अलेक्जेंडर मारोचकिन। ये प्लेयर भी टैकल के अच्छे पॉइंट देगा और ये प्लेयर हेडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉर्नर्स पे ये प्लेयर आगे आता है और हेड से गोल करने की एबिलिटी रखता है। एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खेलता है यान वोरोगोस्की। ये मस्ट पिक प्लेयर है, आज की मैच में टैकल्स के बहुत सारे पॉइंट्स दे सकता है। और एज अ मिडफील्डर खेलते हैं अक्षत तगाईबेरगेन और असलन धाराबायो, एलखान अस्तानोव। सो मिड लाइन से हमें पिक करना है अशकत तगाईबेरगेन। ये प्लेयर बहुत ही अच्छे बॉल सप्लाइज करता है और इस प्लेयर ने नेशन लीग में 1 असिस्ट किया है, क्वालिफाइंग मैचेस में 2 असिस्ट किए हैं। और दूसरे जो मिडफील्डर पिक करने हैं वो है असलन धाराबायेव। इस प्लेयर का नेशन लीग में 1 गोल है और 1 असिस्ट किया है और ये प्लेयर टैकल्स के अच्छे पॉइंट दे सकता है। और आज की मैच में एलखान अस्तानोव स्टार्ट करता है तो ये प्लेयर मस्ट पिक रहेगा, बिकॉज नेशन लीग में 1 गोल किया है और 1 असिस्ट किया है। और आज की मैच में एज अ स्ट्राइकर खेलेंगे अबट एम्बेटोव और ये मस्ट पिक प्लेयर है नेशन लीग में। इस प्लेयर ने 3 गोल किए हैं। सो आज की मैच को लेकर कजाकिस्तान फेवरेट टीम है। सो इस टीम के मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड प्लेयर्स हमें पिक करने हैं। सो अभी हम बेलारूस का फॉर्मेशन एंड स्टैट्स देखते हैं। बेलारूस 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ खेलती है। गोलकीपर है पावेल और आज की मैच में हमें इसी गोलकीपर को पिक करना है। राइट बैक पोजीशन पे खेलते हैं ग्लेब शेवचेनको। लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेलते हैं किरियल पाइचेनिन और सेंटर बैक पोजीशन पे खेलते हैं रुस्लान खादरकेविच और सेर्जी पोलिटविच। सो डिफेंस लाइन से हमें पिक करना है ग्लेब शेवचेनको और किरियल पाइचेनिन को, बिकॉज ये दोनों प्लेयर्स विंग पे बहुत अच्छे खेलते हैं, बहुत अच्छे बॉल सप्लाइज करते हैं और टैकल्स के बहुत अच्छे पॉइंट भी दे सकते हैं। एज अ राइट विंग खेलते हैं मैक्स इबोंगे। लेफ्ट विंग पे खेलते हैं पावेल विट्स्की और एज अ मिडफील्डर खेलते हैं इवगेनी याब्लोन्स्की और वैलरी बेचेरव। सो मिड लाइन से हमें पिक करना है पावेल सावेस्की। ये प्लेयर टैकल के अच्छे पॉइंट दे सकता है और क्वालिफाइंग मैचेस में 1 गोल किया है और लेफ्ट विंग पे बहुत अच्छा बॉल कैरी करता है और ये प्लेयर बहुत अच्छे क्रॉसेस भी करता है। और सेकंड जो मिडफील्डर हमें पिक करने हैं वो है इवगेनी याब्लोन्स्की। ये प्लेयर बहुत अच्छे बॉल सप्लाइज करता है और क्वालिफाइंग मैचेस में 1 असिस्ट किया है। फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते हैं व्लादिस्लाव क्लिमोविच और एगोर बोगोमोल्स्की। ये दोनों फॉरवर्ड प्लेयर्स इतने इंप्रेसिव नहीं है, सो फॉरवर्ड लाइन से मैं एक भी प्लेयर पिक नहीं करूँगा। सो आज के मैच में कजाकिस्तान मैच विन कर सकता है
और हमें इसी टीम से 7 प्लेयर पिक करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।